प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में तीन बदमाशों द्वारा मारे जाने के बाद अतीक अहमद और अशरफ के आखिरी यानी उन्हें सुपुर्दे खाक करने को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है इस कब्रिस्तान में जहां पर शनिवार को असद को दफन किया गया था, लेकिन अब बारी है उसके पिता यानी कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की, और उसको लेकर के यहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि देर शाम रात हो सकती है जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। और इसीलिए तैयारियों में आप देखिए कैसे आरएएफ के जवानों की टुकड़ियां यहां पर बढ़ा दी गई हैं। 300 से ज्यादा जवान इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के भी जवान यहां पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन इस पूरे क्षेत्र को खाली करा रहा है, इस कब्रिस्तान को, ताकि जैसे ही आप जहां पर इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ दोनों का पोस्टमार्टम चल रहा है जिला अस्पताल में, वहां से सीधे लेकर के यहां पे आया जाएगा और यहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा और लगभग रात के 8-9 भी बज सकते हैं जब असद के बाप यानी कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया जाएगा, जिनको तीन शूटर्स ने भरे हॉस्पिटल में मीडिया के सामने गोली से भून दिया और कहीं ना कहीं आज उनका सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया की तैयारी को पूरा किया गया है, जो बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी।